So class is for molecular basis of inheritance. This. एक बार मैं कैमरे के पीछे देख लूं कि सही दिख रहा है कि नहीं. ओके थैंक यू. अच्छा एक और बात. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अगेन. ये जो क्लास रहेगी ये भी दो क्लासेस में रहेगी, यानी आज मैं लूंगा, इसके बाद मंडे को क्लास लूंगा. सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी तो मंडे को मैं क्लास लूंगा. नो डाउट एक दिन क्लास नहीं हो पाई थी, इस वजह से आप शेड्यूल से एक दिन पीछे चल रहे, तो वो देखेंगे आगे कैसे एडजस्ट हो सकता है. तो आप घबराइए मत. आज हम लोग ज़्यादातर डीएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए की डिस्कवरी, उसकी पैकेजिंग और इस सब के बारे में देखेंगे, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेन तीन चार प्रोसेस हैं जीन से डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और लैक ओपेरॉन, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे. ओके सो सबसे पहले तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग चाहते क्या. देखिए आफ्टर मेंडल साहब ने कहा, जैसे मेंडल की बात खत्म होती है तो मेंडल बोलते हैं कि दुनिया में जो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल जो भी लोग करते हैं उसको उन्होंने बोला कि वो लोग फैक्टर हैं. अब पूरी दुनिया इस फैक्टर को पता करने के लिए निकल पड़ी कि ये फैक्टर है क्या, कहां पर पाया जाएगा. तो लोग फैक्टर को ढूंढते रहे, कुछ मिल नहीं रहा था. बाद में चला फैक्टर इज नथिंग बट जीन. तो किसी ने पूछा भाई ये जीन क्या है, तो बोले जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. अब किसी ने बोला क्रोमोसोम का पार्ट है, इसके बेसिस पर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सर्टेन एंड बाय थ्योरी दी गई. क्या क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, तो बोला गया डीएनए. किसका बना हुआ है, डीएनए. देखिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं. मेंडल ने बोला कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए आते हैं फैक्टर. बाद में बोला कि पूछा व्हाट इज डीएनए, बोला डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड. अब और आफत आ गई कि भैया ये कौन सा बवाल आ गया, न्यूक्लिक एसिड. बोले व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड, बोले दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अब जो जो भी शब्द आपको मिलते जा रहे हैं वो हर एक नया है कि भाई अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या भला है. फिलहाल हमें कहीं ना रुकना पड़ेगा और अपने टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा. मेंडल कहते हैं कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, फैक्टर आर नाउडेज नोन एज जीन, जीन आर द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. बाद में पता चला न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, वन इज नोन एज डीएनए, अनदर वन इज नोन एज आरएनए. फुल फॉर्म दोनों का आपको पहले से मालूम है, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. यस इट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और इसका नाम है यस राइबोन्यूक्लिक एसिड. बाद में और डिस्कवरीज हुई और क्या क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनए एक्ट लाइक अ जेनेटिक मटेरियल. ये एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जो डीएनए है इट एक्ट लाइक अ जेनेटिक मटेरियल. और बाद में पता चला कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सब जगह नहीं है, देयर आर सम ओनली सम वायरस. आरएनए कैन आल्सो एक्ट लाइक जेनेटिक मटेरियल, इट कैन आल्सो एक्ट लाइक जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसके अलावा ये जेनेटिक मटेरियल केवल सम वायरसेस में है. कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आरएनए वायरसेस हैं, इसके अलावा ये मैसेंजर का काम कर सकता है. आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, जैसे कि एमआरएनए है. इसके अलावा ये एडेप्टर का काम कर सकता है, एडेप्टर का काम कर सकता है, जैसे कि टीआरएनए है. इसके अलावा ये स्ट्रक्चर बना सकता है. अब कौन सा स्ट्रक्चर बना सकता है, आपको मालूम है ये राइबोसोम नाम के स्ट्रक्चर बना सकता है. इसके अलावा इट एक्ट लाइक कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है. जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा राइबोसाइम, दुनिया का अकेला एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है. All the enzymes are protein except ribozyme. Ribozyme actually RRNA होते हैं, ये RNA होते हैं. तो अब हम लोग जल्दी जल्दी से निपटाते हैं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक. मेंडल के बाद बोला गया character are controlled by factor. Factor now what is missed? Gene. Gene are the part of chromosome. Chromosome are made up of DNA. ये देखिए एक DNA और एक RNA. DNA का full form deoxyribonucleic acid. RNA का full form ribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid genetic material है. Ribonucleic acid के total 5 काम है. याद रखना ये कुछ genetic material की तरह काम करता है. पहला काम. दूसरा काम ये मैसेंजर की तरह काम करता है, एमआरएनए की तरह, एडाप्टर की तरह काम करता है टीआरएनए में, और स्ट्रक्चर बनाता है राइबोसोम का. इसके अलावा कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है राइबोसाइम का. फिर पूछा गया सर व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, जरा न्यूक्लिक एसिड को डिटेल में डिफाइन कर दीजिए. तो बोला गया न्यूक्लिक एसिड दे आर द चेन. ये चेन है
जिसमें पॉलीमर्स पाए जाते हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो आप बोलोगे एक न्यूक्लिक एसिड है जो एक चेन है, और किसकी चेन है? न्यूक्लियोटाइड की। बेसिकली अगर मैं पढ़ाने जाता हूं तो मैं बोलता हूं कि भैया एक माला के बारे में या एक चेन के बारे में सोचो। मान लीजिए आपने बड़ी सी चेन सोची है जिसे माला बनाई जा सकती है, या लीनियर चेन देख सकते हो, तो इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको मोती जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये जो मोती जैसे स्ट्रक्चर है इनको आप बोलिए न्यूक्लियोटाइड। फिर से देखिए, ये रहा एक न्यूक्लियोटाइड, देन अगेन ये रहा एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, मैं लिखने के लिए बस ही बोल रहा हूं। तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी सी चेन है। तो एवरी न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक पॉलीमर बनाते हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। ओके, नाउ तो मेन प्रॉब्लम आ गई कि सर व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, हमें न्यूक्लियोटाइड बताइए, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। बोला गया न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलके बना है। वन इज नोन एज पेंटोस सुगर, जल्दी जल्दी देखिए, पेंटोस सुगर। दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड दुनिया का तीन चीजों से मिलकर बना हुआ, जल्दी जल्दी नोट करिए, पेंटोस सुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। पेंटोस सुगर दो प्रकार की हो सकती है, वन इज नोन एज राइबोस, अनदर वन इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस। दो तरीके की सुगर है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। ओके, जल्दी जल्दी, नाउ द नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ टू टाइप अगेन, वन इज नोन एज प्यूरीन, अनदर वन इज नोन एज पाइरिमिडीन। तो नाइट्रोजन बेसिस दो प्रकार के, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन है एडेनिन एंड ग्वानिन, पायरिमिडीन है साइटोसिन यूरैसिल एंड थायमिन, साइटोसिन यूरैसिल एंड थायमिन। और फॉस्फेट H3PO4 के सॉल्ट है, फॉस्फोरिक एसिड के सॉल्ट को हम लोग बेटा बोलते हैं फॉस्फेट। फिर से देखो, हर एक न्यूक्लियोटाइड, दिस न्यूक्लियोटाइड, दिस न्यूक्लियोटाइड, दिस न्यूक्लियोटाइड और दिस न्यूक्लियोटाइड, एनी न्यूक्लियोटाइड, इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग। वन इज नोन एज पेंटोस सुगर, अनदर वन इज नोन एज नाइट्रोजन बेस, अनदर वन इज नोन एज फॉस्फेट। पेंटोस सुगर आर ऑफ टू टाइप, वन इज नोन एज राइबोस, अनदर वन इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस। नाइट्रोजन बेस आर ऑफ टू टाइप, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन है एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरिमिडीन है साइटोसिन यूरैसिल थायमिन, फॉस्फेट है H3PO4। अब इनकी संरचना बनती कैसे है? सर हम चेन तो बना लेंगे, पहले हमें मोती मिल जाए, पहले हमें मोती मिल जाए, मोती में जोड़ जोड़ के, धागा जोड़ जोड़ के हम चेन बना लेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया कि सर आप पेंटोस सुगर के बारे में बताइए। पांच कार्बन की सुगर है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, इनका डिटेल स्ट्रक्चर में फिर कभी पढ़ाऊंगा। याद रखना, पहले कार्बन पर HOH, दूसरे कार्बन पर HOS, तीसरे कार्बन पर HOH, यहां से चालू करेंगे 1 2 3, चौथे कार्बन पर यस, चौथा कार्बन COC पहले के साथ, और उसी के ऊपर CH2OH कार्बन। देखिए ये पांचवा, ये चौथा, 1 2 3 4 5, पहले कार्बन पर HOS, दूसरे कार्बन पर HOS, तीसरे कार्बन पर HOH, चौथे कार्बन पर COC और उसी पे CH2OH। ये है राइबोस सुगर। अगर आप भूलेंगे नहीं तो बहुत काम बन जाएगा, दिस सुगर इज नोन एज राइबोस सुगर। अगर मैं बोलूं डी ऑक्सी राइबोस सुगर, डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, अगर राइबोस से ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो याद रखना वो सुगर कहलाएगी डी ऑक्सी राइबोस सुगर। याद रखना, डीऑक्सी राइबोस सुगर कैसे बनेगी वो मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं। पहला है HOH, दूसरा है HOS, तीसरा है HOS, चौथा है COC और फिर रहा है CH2OH। अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी HOH होता, यहां पर भी HOH होता, तो ये दोनों सेम होते, दोनों राइबोज होते, लेकिन मैं सेकंड पोजीशन की ऑक्सीजन निकाल दे रहा हूं। मेरे साथ बोलिए, ऐसे ही बोलिए, पहला पॉइंट HOH, दूसरा खाली, तीसरा HOH, चौथा COC और CH2OH। इस राइबोज में से एक ऑक्सीजन निकल, इट इज नोन एज राइबोस। तो दो प्रकार की सुगर है, वन इज नोन एज राइबोस, अनदर वन इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस सुगर। ओके, दो सुगर हो गई, पेंटोस सुगर दोनों दिख गई आपको। इसके बाद नाइट्रोजन बेस आपको दिख गया, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, प्यूरीन हो गया एडनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडीन हो गया साइटोसिन यूरैसिल एंड थायमिन, और इसके अलावा फॉस्फेट। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे पूरा न्यूक्लियोटाइड तीनों चीजों से मिलकर बनता है। तो आप लोग तीनों चीजों को, न्यूक्लियोटाइड को बनते हुए देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग न्यूक्लियोटाइड को बनते हुए देखिए, और एक न्यूक्लियोटाइड अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड समझ में आ जाएंगे। चलिए, अब इस न्यूक्लियोटाइड का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि हमें डीएनए बनाना है। तो पहली पोजिशन HOH, दूसरी खाली, तीसरी CHOH,
चौथी सीओसी और पांचवी CH2OH। अगर आपको दिख रहा है ये कौन सी सुगर है तो काम बन गया, इट इज डीऑक्सीराइबोस सुगर। सेकंड पोजीशन पर HOH नहीं है। नाउ फर्स्ट पोजीशन के HOH पे आपने जोड़ा नाइट्रोजन बेस। अब ये नाइट्रोजन बेस या तो हो सकते हैं एडेनिन और या तो हो सकते हैं ग्वानिन। देखिए या तो एडेनिन हो सकते हैं या तो ग्वानिन हो सकते हैं। एडेनिन हुए तो यहां पर हो सकता है या तो ये हो सकते हैं प्यूरीन, और या तो हो सकते हैं पिरिमिडीन। अगर बेटा प्यूरीन हुए तो होंगे एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडीन हुए तो होगा क्या, साइटोसिन थाइमिन। याद रखना डीऑक्सीराइबोस के साथ यूरेसिल जनरली नहीं पाए जाते। नाउ अगर आप लोगों ने ये चीज देख ली तो आपने देखा कि पेंटोस सुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ चुका है। पेंटोस सुगर और नाइट्रोजन बेस जब भी जुड़ते हैं इसे बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं हम लोग, न्यूक्लियोसाइड। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मुश्किल आ जाएगी, इसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर बेटा न्यूक्लियोसाइड बढ़ते वक्त नाइट्रोजन बेस के पास एडेनिन है तो इस चीज को बोलेंगे एडिनोसिन। अगर यहां पर एडेनिन की बजाय ग्वानिन है तो नाम होगा ग्वानोसिन। याद रखना अगर ग्वानिन है तो नाम होगा ग्वानोसिन। अगर यहां पर है साइटोसिन तो नाम होगा साइटिडीन। याद रखना इट विल बी नोन एज साइटिडीन। अगर यहां पर थाइमिन है तो नाम होगा थाइमिडीन। इस तरीके से नाइट्रोजन बेसिस के नाम, नाइट्रोजन बेसिस जोड़ने के साथ न्यूक्लियोसाइड का नाम जुड़ेगा। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड तो बोलो पेंटोस सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। बस नाइट्रोजन बेस को जोड़ने का जगह बताओ, पहली पोजीशन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ती है किसकी, पेंटोस सुगर की। ओके अब ये पांचवी पोजीशन आई, दिस इज द फिफ्थ पोजीशन। यहां पर H3PO4 P डबल बॉन्ड OH OH और OH। अगर इसे देखेंगे तो इट इज H3PO4, इट इज H3PO4 जिसकी तीन बेसिसिटी 1, 2 और 3। अब यहां से HOH निकल गया। जैसे ही HOH निकल गया एसिड और अल्कोहल के बीच का बॉन्ड होता है ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, जब भी एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं दिस इज अ फास्फोरिक एसिड एंड दिस इज अ अल्कोहल, बॉन्ड का नाम है ईस्टर। और चूंकि फास्फोरिक एसिड का ईस्टर इसीलिए इसका नाम होगा फॉस्फो ईस्टर। जल्दबाजी में फॉस्फो डाइस्टर ना बोल दें आप, इट इज फॉस्फो ईस्टर। और इस तरीके से पेंटोस सुगर में नाइट्रोजन बेस जुड़ गया और पेंटोस सुगर में फॉस्फेट जुड़ गया। बताइए कितनी चीजें जुड़ गई, पेंटोस सुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट। अब तीनों चीजों को जोड़कर बोला गया न्यूक्लियोटाइड। और याद रखना जब न्यूक्लियोटाइड जोड़ा गया तो वो जो न्यूक्लियोसाइड केवल था जिसमें फास्फेट नहीं थी नाम था एडिनोसिन, अगर न्यूक्लियोटाइड हो गया तो नाम रखा जाएगा एडेनिलिक एसिड। यस इधर हो जाएगा ग्वानिलिक एसिड। नो डाउट मैं थोड़ा फास्ट हूं, आप लोग को फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा। साइटिडिलिक एसिड और इसके अलावा थाइमिडिलिक एसिड। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है तो आप ये समझ लीजिए ये नाम है न्यूक्लियोसाइड के, न्यूक्लियोसाइड के, और ये नाम है न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोटाइड के। अगर किसी जगह पर अगर मैं बोलूं आप मुझे करके बताइए तो आपको करके बताना पड़ेगा। देखिए ये पेंटोस सुगर है, इसकी पहली पोजीशन पर एडेनिन आया और अगर फास्फेट नहीं है तो नाम होगा एडिनोसिन, अगर फास्फेट भी है तो नाम होगा एडेनिलिक एसिड। अगर ग्वानिन आया और फास्फेट नहीं है तो ग्वानोसिन होगा और फास्फेट भी होगा तो ग्वानिलिक एसिड। इसी तरह साइटिडीन साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडीन थाइमिडिलिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, दैट्स इट। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है नाइट्रोजन पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। अगर तीनों चीजें हैं तो नाम होगा न्यूक्लियोटाइड। अब जितने प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस उतने प्रकार का वहां पर बेटा मिल जाएगा न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, एंड दिस इज हाउ न्यूक्लियोटाइड विल फॉर्म। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड वाकई समझ में आया है तो मेरे साथ आप कुछ न्यूक्लियोटाइड बनाइए। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बनता हुआ दिख जाए तो काम बन जाने वाला है। देखिए पहली पोजीशन पर आपने लिया नाइट्रोजन बेस, थैंक यू वेरी मच। दूसरी खाली क्योंकि हम लोग डीएनए बनाने जा रहे हैं, दूसरी पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता। तीसरी खाली, तीसरी जगह पर OH, चौथी COC और पांचवी पर CH2O P डबल बॉन्ड O OH एंड OH दिख रहा है। तो अगर आपको दिख रहा है तो ये बहुत ही सिंपल बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है। देखिए
पहली पोजीशन पर नाइट्रोजन बेस, दूसरी जगह पर खाली, तीसरी पर OH, चौथी पर COC, पांचवी पर CH2OH था लेकिन हमने फॉस्फेट जोड़ दिया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, इट इज द न्यूक्लियोटाइड। अगर एक न्यूक्लियोटाइड मिला तो आप समझ लो कि आपको एक मोती मिल गया है, और मोती को मोती से जोड़कर माला बनानी है। अभी मैंने फिर से एक मोती और बनाना, जरा आप उस मोती को ध्यान से देखिए, अगर आप मदद कर पाए तो। पहली पोजीशन नाइट्रोजन बेस, दूसरी खाली, तीसरी OH, चौथी COC और पांचवी CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। अच्छा एक और बना के देखिए, ये देखिए पहली पोजीशन नाइट्रोजन बेस, दूसरी खाली, तीसरी OH, चौथी COC, फिर इसके बाद आया CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। अच्छा एक और बना लेने पे कुछ नहीं घट जाते हैं, ताकि आपको दिखता जाए। पहली है नाइट्रोजन बेस, दूसरी खाली, तीसरी OH, चौथी COC, फिर इसके बाद आया CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। अगर आप इसे एक मोती मान रहे, 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 तो इसमें चेन बनाने के लिए इसमें धागे जोड़ने पड़ेंगे, और आपके पास धागे अभी तक जोड़ नहीं पाए, आपके पास केवल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। अब आप देखिए मैं जो आपको दिखाता हूं, ये जो बॉन्ड है इट इज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, एल्कोहल और एसिड के बीच का बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड और फॉस्फोरिक एसिड का बॉन्ड, इट इज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, इट इज अ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, इट इज अ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, इट इज अ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब देखिए पोजिशन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये रही 5। पांचवी पोजीशन पर अभी भी एक OH खाली है, यानी H खाली है, और यहां इसके ठीक पहले वाले की तीसरी पोजीशन 1, 2, 3, तो पांचवी और तीसरी के बीच में फिर से एसिड और अल्कोहल ने रिएक्शन किया और फिर से एक ईस्टर बॉन्ड बना। ये एक ईस्टर बॉन्ड, ये एक ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर और ईस्टर, डाई ईस्टर बॉन्ड बने, डाई मतलब दो, दो ईस्टर बॉन्ड बने, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, डाई ईस्टर बॉन्ड, और दोनों के दोनों फॉस्फो के ईस्टर हैं, इसीलिए इसका नाम होगा फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। और जैसे ही फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बना, तीसरी पोजिशन याद रखना पांचवी पोजिशन के साथ जुड़ गई, तीसरी पोजिशन पांचवी पोजिशन के साथ जुड़ गई। सर समझ में नहीं आया, मैंने बोला तीसरी और पांचवी पोजीशन पर आपका धागा जुड़ गया, बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सर एक बार और करके दिखाइए, चलिए मैं एक बार और करके दिखाता हूं। पहली पोजीशन नाइट्रोजन बेस, दूसरी खाली, तीसरी OH, चौथी COC और पांचवी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। ये रही ऊपर वाले की तीसरी बॉन्ड, और ये रहा ये पांचवा, इट इज अ फिफ्थ। तो तीसरी और पांचवी के बीच में फिर से एक बॉन्ड बना, चाहो तो आप इस एंड पर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ईस्टर पहले, ये ईस्टर पहले से था, ये ईस्टर अभी बना, ईस्टर और ईस्टर, डाईस्टर बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। कौन सी पोजीशन? पोजीशन नंबर 5 और 3, ये भी जुड़ गए 5 और 3 से, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। एक बार और करके देख लो, सर समझ में नहीं आ रहा, एक बार और करके देखिए, फिर से देखिए, ये वाली पोजीशन पांचवी है, ये वाली तीसरी पोजीशन है, इनके बीच में फिर से एक बॉन्ड बना, नाम है फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। और इस तरीके से फॉस्फोडाई करके एक बेटा न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने लगा, और जुड़ने लगा, और एक चेन बनने लगी। ये जो चेन बनने लगी है भाइयों बहनों, इसी चेन का नाम, इसी चेन का नाम है डीएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसी का नाम है न्यूक्लिक एसिड। और चूंकि इस न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबो सुगर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीऑक्सीराइबो सुगर? वो सुगर जिसकी सेकंड पोजीशन पर OH ना हो, वो सुगर जिसकी सेकंड पोजीशन पर OH ना हो, उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस सुगर। तो यहां पर डीऑक्सीराइबोस सुगर होने की वजह से इस न्यूक्लिक एसिड का नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अगर आपको समझ में आया तो आपको एक चीज बात समझ में आ रही है, इसका तीसरा इन्वॉल्व इसका पांचवा इन्वॉल्व, इसका तीसरा इन्वॉल्व इसका पांचवा इन्वॉल्व, इसका तीसरा इन्वॉल्व इसका पांचवा इन्वॉल्व। किसी भी बीच वाले न्यूक्लियोटाइड को उठाओ, प्लीज धैर्य से देखो, उसका पांचवा भी इन्वॉल्व और उसका तीसरा भी इन्वॉल्व। तो ना पांचवा खाली ना तीसरा खाली, ये बीच वाला है, फिर से देखो, ना पांचवा खाली ना तीसरा खाली। पर आखिरी वाले में जाओगे तो इसका अगर तीसरा बेटा बॉन्ड में है, कौन से बॉन्ड में? फॉस्फोडाइस्टर में, तो पांचवा खाली। तो जिसका पांचवा खाली उस एंड का नाम 5' एंड। कौन सा एंड? 5' एंड। और इधर
पांचवा भरा तो तीसरा एंड खाली, और तीसरा एंड खाली तो यहां पर आया थ्री प्राइम एंड, और फाइव प्राइम एंड पर हमेशा आपको मिलेगा फॉस्फेट, इसको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फाइव प्राइम पर हमेशा आपको खाली मिलेगा फॉस्फेट, और थ्री प्राइम पर हमेशा आपको खाली मिलेगा OH, और इस तरीके से किसी भी डीएनए चेन की दो एंड हो गए, एक एंड का नाम फाइव प्राइम एंड, फाइव प्राइम एंड और एक का नाम थ्री प्राइम एंड, फाइव प्राइम पर आया फॉस्फेट, याद रखना फाइव प्राइम एंड पर आया फॉस्फेट और थ्री प्राइम एंड पर आया यस OH, और इस तरीके से डीएनए के दो एंड मिल गए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बीच में है और डीएनए कैसे बनता जा रहा है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन इस डीएनए की खास बात है, इस डीएनए की खास बात है कि यहां पर अभी एक चेन बनी है, और अगर एक चेन बनी है तो काम नहीं चलने वाला, यहां पर हमें दो चेन बनानी पड़ेंगी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, और क्या देखते हैं वो मुझे बताइएगा। ओके, ये देखिए, ये रहा फर्स्ट, इट इज नोन एज नाइट्रोजन बेस, ये रहा सेकंड खाली, देखो सेकंड पोजीशन हमेशा खाली होती, थर्ड पॉइंट पर OH, चौथा COC और पांचवा CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, ये है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। चलिए एक और बनाइए, जब आप एक और बनाएंगे तो पहला मिलेगा नाइट्रोजन बेस, दूसरा खाली, तीसरा OH, चौथा COC, पांचवा फिर से CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। अगर आप ये करते जाएंगे तो आपको फिर से वही चीज लिखनी पड़ेगी। देखते जाइए, देखते जाइए आप क्या क्या करते जा रहे हैं। देखते जाइए आप लोग क्या क्या करते जा रहे हैं। पहली पोजीशन पर आप देखिए फिर से नाइट्रोजन बेस है, दूसरी पोजीशन खाली, तीसरी पोजीशन OH, चौथी COC, पांचवी CH2OP, डबल बॉन्ड OH एंड OH। चलिए आपने यहां पर चार बनाए तो यहां पर भी चार बना लीजिए ताकि आपका काम चलता रहे। पहली पोजीशन नाइट्रोजन बेस, दूसरी खाली, तीसरी OH, चौथी COC, पांचवी CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। शोर मत करें बच्चे से कहते। ओके, अब देखो, अब यहां देखना, ये पोजीशन है तीसरी, है पोजीशन पांचवी, पहले से एक ईस्टर बॉन्ड था, यहां पर भी एक ईस्टर बॉन्ड बनाओ, ईस्टर और ईस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहां साफ साफ दिख रहा, ये पहले से एक ईस्टर बॉन्ड था, ये तीसरी और पांचवी के बीच में फिर से एक बॉन्ड बना, ईस्टर और ईस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहां पर भी आपको बना तीसरी और पांचवी के बीच में ईस्टर और ईस्टर डाईस्टर बॉन्ड, और इसी तरीके से आपके बॉन्ड बनते गए। तो देखिए इसका तीसरा पांचवा भरा, इसका तीसरा पांचवा भरा, इसका तीसरा पांचवा भरा, इसका तीसरा खाली और इसका पांचवा खाली। तो आपने क्या देखा, अगर आप बहुत होशियार हैं तो आप दिखाई पड़ेगा आपको जो चीजें दिख रही हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। एक चेन का एक तरफ फाइव प्राइम एंड खाली तो दूसरी तरफ थ्री प्राइम एंड खाली, तो उसी के सामने वाली चेन का एक तरफ थ्री प्राइम एंड खाली तो दूसरे का फाइव प्राइम एंड खाली। अब ये दोनों चेन आमने सामने हैं लेकिन इन दोनों चेन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बस इतना देख लो, यहां पर अगर एडेनिन हुआ, अगर यहां पर एडेनिन हुआ तो यहां थायमिन होगा और डबल बॉन्ड होगा, अगर यहां ग्वानिन हुआ तो यहां साइटोसिन होगा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और यहां पर अगर साइटोसिन हुआ तो यहां ग्वानिन होगा, वो भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, और अगर यहां पर थायमिन हुआ तो यहां पर एडेनिन होगा, ये भी डबल बॉन्ड होगा। इस तरीके से एक चेन इस तरफ मिली, एक चेन इस तरफ मिली, और दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिले। भाइयों बहनों, ये डीएनए के स्ट्रक्चर हैं जो आपको मालूम ही होने चाहिए। वाटसन एंड क्रिक के मॉडल में यही डीएनए के स्ट्रक्चर हैं जिसकी वजह से हम लोग वाटसन एंड क्रिक का मॉडल पढ़ते हैं। चलिए वाटसन एंड क्रिक मॉडल को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल, इट इज अ डबल हेलिकल मॉडल, और इस डबल हेलिकल मॉडल के जो जो पॉइंट आपको समझ में आते जाएं वो बताते जाइए, पहले इस डीएनए को देखते जाइए और आपको मॉडल समझ में आता जाएगा। पहला पॉइंट, डीएनए में कितनी चेन, आपको मालूम है देयर आर टू चेन ऑफ डीएनए, दो चेन है डीएनए की, एक फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और एक थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम, बोथ आर एंटी पैरेलल,
दोनों की दोनों एंटी पैरेलल चेन है। एंटी पैरेलल का मतलब है एक का 5' to 3' पोलरिटी है और दूसरे की 3' to 5' पोलरिटी है। तीसरी पॉइंट, हर चेन की बैकबोन, दिस इज अ 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 बैकबोन, हर चेन की बैकबोन मेड अप ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर नोन एज सुगर फॉस्फेट बॉन्ड। सो बैकबोन ऑफ ईच डे, बैकबोन ऑफ ईच डीएनए चेन, ईच डीएनए चेन की जो बैकबोन है इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ सुगर फॉस्फेट बॉन्ड, सुगर फॉस्फेट से बॉन्ड के बने हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पीडीई बॉन्ड। व्हाट इज पीडीई बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ध्यान से देखते जाइए, मैं वाटसन क्रिक मॉडल को पढ़ा रहा हूं। वाटसन क्रिक मॉडल ने बोला था कि भैया डीएनए में दो चेन होती है, दोनों की दोनों एंटी पैरेलल होती हैं। एक अगर 5' to 3' है तो दूसरी 3' to 5' होगी। और याद रखना, हर बेटा चेन का जो बैकबोन है ये सुगर और फॉस्फेट बॉन्ड से बना हुआ है। सुगर और फॉस्फेट बॉन्ड का मतलब है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और एक बात, इन दोनों चेन से नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्टेड है, नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्टेड है, और नाइट्रोजन बेसिस आउटसाइड की बजाय इनसाइड प्रोजेक्टेड है। तो चौथा पॉइंट, नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स इनर साइड, इनर साइड ऑफ डीएनए, इनर साइड ऑफ डीएनए में प्रोजेक्टेड है। और इसके बाद याद रखना, इनमें लगता है चारगाफ रूल। याद रखना, जो नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्टेड है दे आर पेयर्ड विथ चारगाफ रूल। और चारगाफ रूल के हिसाब से क्या क्या पेयरिंग है? एडेनिन पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वानिन पेयर विथ साइटोसिन। यहां पर डबल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। और याद रखना, चाहे डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, इनकी बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आप इतना जानते हैं तो आप वाटसन एंड क्रिक के मॉडल को जानते हैं। कितने सारे पॉइंट, अगर आप इतना समझते हैं तो मेरी बात काफी काम हो जाएगी। चलिए बताइए क्या है। देयर आर टू चेन, दोनों चेन पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। एक है 5' to 3' तो दूसरी है 3' to 5'। और आपको मालूम है बोथ आर एंटी पैरेलल, दोनों की बैकबोन सुगर फॉस्फेट बॉन्ड से बनी है, नाइट्रोजन बेसिस इनसाइड प्रोजेक्टेड है, और इन नाइट्रोजन बेसिस पर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल। चारगाफ रूल कहता है जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, क्योंकि एडेनिन थाइमिन से पेयर कर रहा है, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन हो रहा, क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन से पेयर कर रहा, जिसकी वैल्यू एक होगी। यही है चारगाफ रूल। A/T = G/C = 1। अगर आप इतना समझते हो, जो जिससे पेयर करता है वो अगर एक दूसरे के साथ रेशियो में आएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। A/T = G/C = 1। तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया। नाउ डीएनए के स्ट्रक्चर में एक डीएनए के स्ट्रक्चर में एक बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों ने अभी तक डीएनए का जो स्ट्रक्चर देखा है वो लीनियर हम देख रहे, जबकि डीएनए लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता, बल्कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर हेलिकल। एंड व्हाट इज हेलिकल वो अभी हमें जानना बाकी। सॉरी, थोड़ा माइक गड़बड़ हो रहा है। ओके, तो व्हाट इज हेलिकल? जो मैंने दो चेन आपको सीधी दिखाई थी, आपने देखी थी कि दो चेन है सर ने दिखाई है, एक दिखाई है सर 5' to 3', दूसरी दिखाई है 3' to 5', और इनमें नाइट्रोजन बेस पेयरिंग दिखाई है सीढ़ी जैसी। ऐसा होता नहीं है, ये जो डीएनए होता है इट इज हेलिकल। और अगर ये हेलिकल है तो अभी भी बात वही है, एक है 5' to 3', दूसरा है 3' to 5', और इनके बीच में प्रेजेंट है नाइट्रोजन बेस पेयर। अब नाइट्रोजन बेस पेयर लीनियर की बजाय यहां पर हम लोग देख रहे हैं हेलिकल है। और हेलिकल होने पर समस्या क्या है? हेलिकल होने पर हमें कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ ज्योमेट्री के बारे में, डीएनए की ज्योमेट्री के बारे में आना चाहिए। तो क्यों ना हम ये सब चीजें हटा दें। डीएनए एंटी पैरेलल होता है, दो चेन होती है,
दोनों की जो चेन होती है उनका सुगर फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और सुगर फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है सुगर और फॉस्फेट की तीसरी और पांचवी पोजीशन के बीच में बनता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये लीनियर स्ट्रक्चर ना हो के ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। एंड नाउ द हेलिकल स्ट्रक्चर, व्हाट इट मींस हेलिकल स्ट्रक्चर, अगर मैं यहां से शुरू करूं और यहीं पर आऊं तो एक सर्कल बनता है, एक सर्कल बनता है। फिर से देखिए, अगर मैं यहां से शुरू करूं और यहीं पर आऊं तो ये एक सर्कल है, और एक सर्कल में 360 डिग्री होता है। अब अगर मैं यहीं से शुरू करूं और यहीं इसके ठीक ऊपर आऊं, पर ये पॉइंट जुड़े नहीं, यहीं से शुरू करके इसी के ठीक ऊपर आऊं तो ये हो गया हेलिकल, अभी भी एंगल 360 डिग्री होगा। देखिए, अगर मैं ये एक हेलिक्स मानूं, ये 180 डिग्री और ये फिर से 180 डिग्री, ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल। नाउ दिस हाफ सर्कल, दिस हाफ सर्कल, तो बोलते हैं कि जब डीएनए एक हाफ सर्कल चल जाए, और हाफ सर्कल चलने के बाद जब वो 360 डिग्री एंगल कवर कर जाए, और 360 डिग्री एंगल कवर करने में जितनी दूरी वो तय करेगा उस दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच। याद रखना, व्हाट इज पिच? पिच इज अ लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए व्हेन इट ट्रेवर्स्ड 360 डिग्री एंगल। 360 डिग्री एंगल अगर कोई डीएनए हेलिक्स चल रहा है तो उसमें जितना भी होगा दैट इज नोन एज पिच। और बोलते हैं एक पिच की जो दूरी होती है इट इज अबाउट 3.4 नैनोमीटर, 3.4 इंटू 10^-9 मीटर। ध्यान सुनिएगा क्योंकि पैकेजिंग इसी से आ पाएगी। और याद रखना, बोला गया यहां से लेकर यहां तक आपको बेस पेयर मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 बेस पेयर यहां पर मिलेंगे। तो बोलते हैं 10 बेस पेयर आर प्रेजेंट इन वन पिच, एक पिच में 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। और याद रखना पूरी पिच की लंबाई है 3.4 नैनोमीटर, तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 बेस पेयर की दूरी है 3.4 नैनोमीटर, तो हर बेस पेयर कितनी दूरी पर होगा 3.4/10 अबाउट 0.34 नैनोमीटर। यानी कि इसके और इसके बीच में कितनी दूरी होगी 0.34, इसके और इसके बीच में भी कितनी दूरी होगी 0.34, इसके और इसके बीच में भी कितनी दूरी होगी 0.34, ये इन सब के बीच में कितनी दूरी होगी 0.34 नैनोमीटर। और इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर आएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल मॉडल जो है वो आपके सामने है, इसका और डिटेल हमें अभी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होता तो मैं जरूर पढ़ाता, या फिर जब कभी आप क्लासरूम में आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, टाइम बहुत कम है इसलिए डीएनए का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। डीएनए एंड द चार ग्राफ रूल, अगर आप लोग इसको जल्दी जल्दी बोल देंगे एक मिनट के अंदर तो मुझे ठीक लगेगा। दो दो चेन है, दोनों एंटी पैरेलल है, एक 5' टू 3', और दोनों डबल हेलिकल है। हेलिकल है इसका मतलब सीधी नहीं है, डबल हेलिकल है। इनकी बेटा जो बैकबोन है वो बनी हुई है सुगर फॉस्फेट, इनर साइड पर नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन एडनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और याद रखना 360 डिग्री घूमने पर, एक बार हेलिक्स 360 डिग्री घूम जाए तो जितनी लेंथ कवर करेगी उसका नाम होगा पिच। पिच लगभग 3.4 नैनोमीटर की होती है जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं, हर बेस पेयर के बीच में लगभग 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। अगर आप इतना जान गए हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यस सेंट्रल डॉगमा, ये भी याद रखना। सेंट्रल डॉगमा के बारे में केवल फ्रांसिस क्रिक ने बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि बेटा डीएनए में प्रेजेंस जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन होती है उनका लीनियर ट्रेवलिंग होती है। यानी डीएनए में प्रेजेंस इन पहले एमआरएनए बनाती है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, और एमआरएनए से बेटा बनती है प्रोटीन। अगर आप इसे जानते हैं तो काम बन जाएगा। डीएनए से एमआरएनए बनाने वाले प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने वाले प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। ओके गुड,
ट्रांसलेशन। लेकिन एक प्रोसेस और होता है जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है, दैट इज नोन एज डुप्लीकेशन। तो अगर आपकी बुद्धि सही है तो इस चैप्टर में, डुप्लीकेशन का दूसरा नाम रेप्लीकेशन भी है, इस चैप्टर में तीन ही मुख्य प्रोसेस हमें पढ़ने हैं। वन इज नोन एज रेप्लीकेशन, डीएनए से डीएनए बनना। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए बनना। तीसरा ट्रांसलेशन, एस एमआरएनए से प्रोटीन बनना। अगर हम इतना पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर के मेजर मेजर टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। याद रख लेना, इतना अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम लोग मेजर टॉपिक पढ़ते हैं। डीएनए से डीएनए बनना, इट्स रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन। और यह सेंट्रल डॉग्मा फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। और क्या हो सकता है सेंट्रल डॉग्मा का मायने, फिर कभी जब मौका मिलेगा तब बताएंगे। फिलहाल आप इतना सेंट्रल डॉग्मा समझे, टाइम बहुत कम है। नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पैकेजिंग का क्या कहानी है और क्या बताना चाहते हैं, जरा वो सोचने की कोशिश करिए। याद रखना, वो बोलते हैं अगर आप ह्यूमन डीएनए की बात करो, ह्यूमन डीएनए, तो ह्यूमन डीएनए में टोटल बेस पेयर है 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कई बार आप अडॉप्ट नहीं कर पाते कि सर इसका मायने क्या है। मैं बता रहा हूं, मान लो ये ह्यूमन का डीएनए है, ये ह्यूमन का डीएनए, ह्यूमन का बहुत बड़ा डीएनए। तो इस ह्यूमन डीएनए में ये क्या है, एडेनिन, ये है थायमिन। तो ये क्या हुआ, एक बेस पेयर, एडेनिन और थायमिन एक बेस पेयर हुआ, थायमिन और एडेनिन दूसरा बेस पेयर हुआ, ग्वानिन और साइटोसिन तीसरा बेस पेयर हुआ, साइटोसिन ग्वानिन चौथा बेस पेयर हुआ, फिर ग्वानिन साइटोसिन आया तो पांचवा बेस पेयर हुआ। ऐसे कर 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 के बेस पेयर कितने हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। और एक बात, हर बेस पेयर के बीच की दूरी, एवरी बेस पेयर के बेस की दूरी हमें वॉटसन एंड क्रिक ने बताई है, इट इज अबाउट 0.34 नैनोमीटर। तो अगर मुझे पूरे डीएनए की लंबाई पता करनी हो तो बड़ी आसान है, 0.34 कितनी बार जोड़ दें, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। तो याद रखना, लेंथ ऑफ डीएनए निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डीएनए, जिन्हें ना समझ में आए वो रट्टा मार सकते हैं, वैसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। किसी भी डीएनए की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि हर बेस पेयर की बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है, इज इक्वल्स टू 0.34 नैनोमीटर गुणे 0.34 कितनी बार, जितनी बार बेस पेयर है, इनटू नंबर ऑफ बेस पेयर। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो लेंथ ऑफ डीएनए आपको मालूम चल जाएगी, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर, क्योंकि हर बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर की दूरी है। और आपके पास टोटल बेस पेयर कितने हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। तो अगर मैं ह्यूमन डीएनए की लंबाई निकालूं तो इट इज 0.34, और नैनोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, दैट इज 10⁻⁹, नैनोमीटर मतलब -9 मीटर, इनटू, और बेस पेयर कितने करते हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। अब इससे लंबाई मिले, ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमें फाइनली मिला 6.6 × 0.34, और जब इसे मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास लगभग 2.2 मीटर का डीएनए मिला। यानी ह्यूमन का जो डीएनए होता है, हर एक कोशिका में, एवरी सेल, हर एक कोशिका में ह्यूमन डीएनए लगभग 2.2 मीटर का होता है। बोले क्या बकवास कर रहे हो यार, मैं हूं तो मैं बोलू क्या बकवास कर रहे हो। एक तो सेल होती है माइक्रोमीटर की, सेल इतनी छोटी है कि बेटा इसकी माइक्रोमीटर में लंबाई होती है, माइक्रोमीटर की तो सेल है, और उस माइक्रोमीटर में न्यूक्लियस और छोटा, और उस छोटे न्यूक्लियस के अंदर आप कह रहे हो कि 2.2 मीटर का डीएनए। सोचिए आप, डीएनए 2.2 मीटर का है
लेकिन सेल ऐसी है जो दिखाई नहीं पड़ रही है, तो 2.2 मीटर का डीएनए सेल के अंदर घुसा कैसे? अगर आप जानते हैं पतंग के धागे को, पतंग का धागा 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर तक उड़ रही पतंग, लेकिन क्या वो लटाई के या फिर जिस चरखी के उस चरखी के आधा या फिर एक या दो इंच मीटर की चरखी में क्या लपेटा जा सकता है वो धागा? यस, ठीक उतना। बोले कि भाई 2 किलोमीटर का धागा 1 इंच की चरखी में कैसे लपेटा जा चुका? वो 2 मीटर का धागा था, एक चरखी है 1 इंच की है। तो आप बोलोगे सर वो 2 मीटर के धागे को इस चरखी में हमने क्वाइल करके रखा है, क्वाइल। तो याद रखना इस 2.2 मीटर के डीएनए को इस न्यूक्लियस के अंदर रखने पर हम लोग सुपर क्वाइलिंग करते हैं। क्या करते हैं? सुपर क्वाइलिंग। ये कैसे की जाती है इसको समझाने के लिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। फिर से सुन लो, हर एक बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर की लेंथ है, और इस वजह से पूरी लेंथ निकालने के लिए फार्मूला बनाया गया, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 0.34 इनटू नंबर ऑफ बेस पेयर। तो नंबर ऑफ बेस पेयर रख करके आप लेंथ ऑफ डीएनए निकाल सकते हो, या फिर लेंथ ऑफ डीएनए दी गई हो तो नंबर ऑफ बेस पेयर निकाल सकते हो, क्योंकि 0.34 तो हमेशा कॉमन रहेगा। और ह्यूमन डीएनए की लंबाई लगभग 2.2 मीटर है, और 2.2 मीटर जो है वो डीएनए को हम लोग पैक करने जा रहे हैं। पहली बात तो डीएनए की पैकेजिंग के बाद कुछ बातें समझनी है। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस फुल फॉर्म ही है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें नेट चार्ज निगेटिव होता है। इसमें नेट चार्ज निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट है, और फॉस्फेट के पास नेट चार्ज निगेटिव होता है। याद रखना, अब जैसे कि हमें धागे को लपेटने के लिए, भाई साहब यहां पर चैटिंग करते वक्त अभिषेक कौन है, राकेश कौन है, ये सब बातें मत करिए, नहीं है तो क्लास छोड़ दीजिए। आई एम हैप्पी, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ने की बजाय आप लोग आपस में डिटेल में बात करते हैं। Who has invited you? अगर आपको पढ़ना नहीं, आप क्लास छोड़ के जाइए। अदरवाइज अगर आपको इससे फायदा मिल रहा, आप सीधे यहां पर बैठकर पढ़िए। डीएनए पर एसिडिक चार्ज होता है, नेट चार्ज जो होता है वो निगेटिव होता है, और हमने कहा कि डीएनए का ये जो 2.2 मीटर का धागा है, इसको लपेटने के लिए हमें चरखी चाहिए, हमें किसी चीज में लपेटना पड़ेगा। तो हमें लपेटने के लिए, डीएनए को लपेटने के लिए वी नीड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन नाम की प्रोटीन होती है, और याद रखना हिस्टोन प्रोटीन टोटली यूकैरियोटिक प्रोटीन है। अगर बैक्टीरिया का डीएनए होगा तो कभी भी हिस्टोन प्रोटीन में नहीं लपेटा जाएगा, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगी और वो बेसिक होंगी। फिलहाल हिस्टोन प्रोटीन का नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, और ये बेसिक होती है, बेसिक नेचर की होती है। तो एसिड और बेस आपस में लपेट करके एक स्टेबल बेटा कंपाउंड बनाते हैं, और उस पैकेजिंग को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो स्टेबल हो। याद रखना टोटल हिस्टोन एनसीईआरटी में दी नहीं है, इसलिए लिख लेंगे, 5 टाइप की होती है। 5 टाइप्स ऑफ द हिस्टोन आर देयर। यस, दीज आर नोन एज H1 हिस्टोन 1, H2A, H2B, H3 और H4। फिर से देखिए, H1, H2A, H2B, H3, H4। इस तरीके के 5 प्रकार के हिस्टोन में डीएनए को लपेटा जाना है। अगर आपको ये 5 प्रकार की हिस्टोन डीएनए में लपेटे हुए देखनी है तो देखिए कैसे देखिएगा। सबसे पहले H2A का डाइमर, माइंड इट, मैंने H1 छोड़ दिया, डाइमर मतलब जिसमें 2 H2A के मॉलिक्यूल आ जाएं, ये H2A, ये H2A, H2A का डाइमर। नाउ H2B का डाइमर, H2B का डाइमर, डाइमर डाइमर टोटल हो गया 4 मॉलिक्यूल। नाउ H3 का डाइमर, H3 H3 का पीछे से डाइमर है, एंड नाउ H4 का डाइमर, H4 का डाइमर, दो डाइमर, दो डाइमर, दो दो चार, दो छह, दो आठ, 8 हिस्टोन, यानी 4 लोगों के डाइमर और 8 हिस्टोन मिलकर के एक डिस्क बनाते हैं। इस डिस्क का नाम है हिस्टोन ऑक्टामर, और ये आपकी बुक में बनी है, हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब 8 हिस्टोन, लेकिन ये 8 हिस्टोन में टाइप कितनी है? 4। तो 4 हिस्टोन में से H2A के डाइमर, H2B के डाइमर, H3 के डाइमर और H4 के डाइमर मिलकर के एक डिस्क बनानेंगे। इस डिस्क का नाम है हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क।
तो मान लीजिए ये रही वो हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क, और इस हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क में डीएनए दो बार लपेटा गया, और दो बार लपेटा जाने के बाद इसकी क्लिपिंग की गई, और क्लिपिंग करके यहां पर बांध दिया गया H1। आप बोलेंगे H1 कहां गया? H1 यानी दो चक्कर मारे H1 से क्लिप, फिर से दो चक्कर मारे H1 से क्लिप, फिर से दो चक्कर मारे H1 से क्लिप। देखने की कोशिश करिए, फिर से डीएनए निकला, फिर से हिस्टोन ऑक्टामर में गया, दो चक्कर मारे H1 से क्लिप, फिर से बाहर निकला डीएनए, दो चक्कर मारे, फिर से H1 से क्लिप। सो याद रखना, दिस इज H1, दिस इज H1, दिस इज H1, लेकिन ये जो आपको बीच में मिल रही है, दीज आर हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क, और हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क में जितना भी डीएनए लपेटा गया है उसके साथ हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क का नाम है न्यूक्लियोसोम। तो देखिए ये रहा न्यूक्लियोसोम, अगेन ये रहा न्यूक्लियोसोम, इसी को बोलते हैं न्यू बॉडी, न्यू बॉडी, और ये रहा न्यूक्लियोसोम, इसी को बोलते हैं न्यू बॉडी। अब याद रखना, एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंकर हिस्टोन, तो H1 इज अ लिंकर हिस्टोन, इस न्यूक्लियोसोम उस न्यूक्लियोसोम के बीच में फिर से लिंकर हिस्टोन, और इस तरीके से बेटा नाइट्रोजन डीएनए जो है डीएनए लपेटा जाने लगा, और इस तरीके से न्यूक्लियोसोम बनने लगा, इस तरीके से न्यूक्लियोसोम बन करके डीएनए को लपेटा जाने लगा। तो बोलेंगे सर क्या गणित है, कितना न्यूक्लियोसोम बन जाएगा? बोलते हैं एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर यूज हो जाते हैं, 200 बेस पेयर यूज हो जाते हैं, और हमारे पास है कितने बेस पेयर? How many base pair we have? 6.6 × 10⁹ base pair. तो 6.6 × 10⁹ base pair का DNA है, जिसमें हर nucleosome में लगभग 200 base pair. तो बटा 200, ये हो गया 7. It is 3.3 × 10⁷ nucleosome बन जाएंगे. तो इस तरीके से nucleosome बना बना करके DNA को लपेटा जाने लगा। जब न्यूक्लियोसोम बनने लगे तो न्यूक्लियोसोम फर्दर क्वाइल्ड होने लगे। याद रखना, न्यूक्लियोसोम दे गेट फर्दर क्वाइल्ड। ये मान लीजिए न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, तो ये फर्दर क्वाइल्ड होने लगे, एंड दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड फर्दर क्वाइल्ड होने लगी लाइक दिस। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया। मान लीजिए ये न्यूक्लियोसोम की लंबी चेन है, ये रही न्यूक्लियोसोम की लंबी चेन। अब इसमें डीएनए दो बार चक्कर खा के लपेटा हुआ है, ये न्यूक्लियोसोम है, आप प्लीज इसे डीएनए मत समझिएगा। अब ये न्यूक्लियोसोम की लिस्ट बिल्कुल इस तरीके से घूम घूम के लपेटी जाने लगी। ये तो कहीं जगह पर बहुत ज्यादा डेंस है, कहीं पर लूज है, कहीं पर डेंस है, कहीं पर फिर से लूज है। तो इस तरीके से आपके पास यहां पर न्यूक्लियोसोम, ये छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम दिखने लगे, और ये बेटा न्यूक्लियोसोम दिखने लगे, लेकिन ये जो लपेटा जा रहा है इसमें एक डेंस रीजन आया, ये डेंस रीजन आया, ये लाइट रीजन आया, ये लाइट रीजन आया, और इस तरीके से एक धागा बना जिसका नाम हम लोगों ने रखा क्रोमैटिन। क्या नाम रखा? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में वो क्रोमैटिन जो डेंस है इसका नाम रखा गया हेटरोक्रोमैटिन, और जो लाइट है जो हल्का बेटा है इट इज नोन एज यू क्रोमैटिन। अगेन ये रहा हेट्रोक्रोमैटिन, ये रहा यू क्रोमैटिन, और एक क्रोमैटिन नाम का धागा बना, और इस धागे में जगह जगह पर आपको गांठे दिख रही, ये गांठे कुछ नहीं है, दीज आर न्यूक्लियोसोम। तो दैट्स वाई दीज आर नोन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, थ्रेड, और ब्रीड का मतलब होता है मोती। तो बताओ बीड ऑन स्ट्रिंग्स क्या है? व्हाट इज बीड? बीड आर न्यूक्लियोसोम और स्ट्रिंग इज, इट इज क्रोमैटिन। सो क्रोमैटिन नाम के धागे में छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम पैक होने लगे, और इस तरीके से यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन का धागा बनने लगा, और इसी धागे में लपेटा जाने लगा आपका डीएनए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रट्टा मार लो, क्योंकि भैया रट्टा मारना आपको सबसे अच्छा लगता है। तो आप ऐसे लिखो, कैसे लिखो? आपके पास आया डीएनए प्लस आपके पास आया हिस्टोन, डीएनए को हिस्टोन में लपेट के पहले बनाया गया न्यूक्लियोसोम,
न्यूक्लियोसोम फर्दर लपेटा गया तो बनाया गया सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड फर्दर लपेटा गया तो बनाया गया क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन जो है उसके दो पार्ट, एक का नाम होगा हेट्रोक्रोमैटिन, एक का नाम होगा यूक्रोमैटिन, और यूक्रोमैटिन पार्ट वाला ही पार्ट ऐसा है जो आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन करेगा। इसका मतलब पूरा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, हेट्रोक्रोमैटिन वाला पार्ट ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। और मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिमम क्वाइलिंग अभी नहीं हुई है, अभी भी क्वाइलिंग बाकी है, और क्या बाकी है क्वाइलिंग में वो देख लो। नाउ बस अब लिख लो कि ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन तक कहानी इंटरफेज में रहेगी। अब आप कहेंगे इंटरफेज क्या है, आप भूल ही चुके होंगे, आपने कभी सेल साइकिल पढ़ी है, और सेल साइकिल में आपने पढ़े होंगे G1S G2, ये वाला पोर्शन है इंटरफेज। तो अगर आप इंटरफेज की कोशिका में डीएनए ढूंढने जाओ तो वो क्रोमैटिन धागे के रूप में मिलेगा, धागे के रूप में मिलेगा क्रोमैटिन। लेकिन जैसे इंटरफेज से कोशिका एम फेज में गुजरी, एम फेज, और एम फेज में पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तो याद रखना यही क्रोमैटिन फर्दर क्वाइल होता है, और फर्दर क्वाइल होकर के हर क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। देखिए मैं क्रोमैटिन बना रहा हूं, ये रहा हेट्रोक्रोमैटिन, ये रहा यूक्रोमैटिन, ये रहा हेट्रोक्रोमैटिन, ये रहा यूक्रोमैटिन, ये रहा हेट्रोक्रोमैटिन, ओके कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ये रहा यूक्रोमैटिन, ये रहा हेट्रोक्रोमैटिन, ये रहा यूक्रोमैटिन, ये रहा हेट्रोक्रोमैटिन, ये रहा यूक्रोमैटिन, ओके अगेन ये रहा यूक्रोमैटिन, और ये रहा हेट्रोक्रोमैटिन, ये रहा यूक्रोमैटिन। अब आप क्रोमैटिन धागा देखिए किस तरीके से जुड़ करके क्या बनाने की कोशिश कर रहा, अगर आप इसे पहचान गए होंगे तो ये है सेंट्रोमियर, और ये रहे क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, और इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम रखा गया क्रोमोसोम। तो आप बोल सकते हो आगे चल जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम में क्वाइल हो जाएंगे, और क्रोमैटिन जब क्रोमोसोम में क्वाइल हो रहे होंगे तो उन्हें कुछ फर्दर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। दीज आर नोन एज NHC, नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, इट इज नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो याद रखना NCERT में यहां तक दिया गया है कि आगे चलोगे तो ये रहा डीएनए, हिस्टोन विल फॉर्म द न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से क्रोमैटिन, लेकिन क्रोमैटिन से आगे अगर चले तो क्रोमैटिन से आगे चलने पर आपको बनाना पड़ेगा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बनाने के लिए यू विल नीड NHC, व्हाट इज NHC, सम अदर प्रोटीन, एंड दैट इज नोन एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन क्रोमैटिन तक जाने के लिए आपको जिन प्रोटीन की जरूरत है उनका नाम है हिस्टोन। तो कोई बोले डीएनए फाइनली किस में क्वाइल होता है, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम वो स्वेटर है जिसको अगर तुम उधेड़ना चालू करो तो जैसे स्वेटर को उधेड़ोगे तो जो सबसे पहले चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन को उधेड़ोगे तो क्या मिलेगी, सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड को उधेड़ोगे तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम को भी उधेड़ोगे तो ये हिस्टोन ऑक्टामियर अलग और धागा अलग, और धागा क्या होगा, डीएनए। तो फील करने की कोशिश करो, डीएनए प्लस हिस्टोन विल फॉर्म द न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम विल फॉर्म द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड विल फॉर्म द क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का दो पार्ट यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, एंड क्रोमैटिन फर्दर क्वाइल्ड करेंगे और बनाएंगे क्रोमोसोम। सो मैक्सिमम क्वाइलिंग ऑफ द डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम में एक्चुअली कुछ नहीं होता बल्कि डीएनए ही होता है, और उसमें कुछ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, और इस तरीके से बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए खत्म हो जाती है। जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए आप खत्म कर लेते हो तो आपको मालूम है फाइनल पैकेजिंग एक्चुअली क्रोमोसोम की ही है। नाउ द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा अगला टॉपिक है। सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल में पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, इसी को बोलते हैं
ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको समझने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो मैं बता रहा हूं जल्दी जल्दी। एक बैक्टीरिया हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाय, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसके और भी नाम है, बहुत ज्यादा नाम बताने के मूड में नहीं हूं। डिप्लोकोकस भी इसी का नाम है, न्यूमोकोकस भी इसी का नाम है। अब ध्यान सुनना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो फॉर्म है। एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है जिसके ऊपर कैप्सूल है, कैप्सूल, तो ये होगा कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड, और जिसके ऊपर कैप्सूल है वो कैप्सुलेटेड है, और कैप्सूल होने की वजह से वो दिखाई पड़ता है स्मूथ, इसलिए इसको बोलते हैं एस फॉर्म। दूसरा बैक्टीरिया है नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन कैप्सुलेटेड होने की वजह से वो स्मूथ नहीं दिखाई पड़ता बल्कि रफ दिखाई पड़ता है। अब आप फिर से बताएं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो फॉर्म, एक स्मूथ फॉर्म और एक बेटा रफ फॉर्म। अब स्मूथ फॉर्म हो या रफ फॉर्म हो, इसमें से जो स्मूथ फॉर्म है वो डिसीज कॉज करता है, ये बीमारी कॉज करता है, और जो रफ फॉर्म है इट विल नो डिसीज फॉर्म, ये डिसीज नहीं करता। अब आप पूछेंगे कौन सी डिसीज, नाम में लिखा हुआ है निमोनिया। तो आप ध्यान से सुनो, अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का स्मूथ फॉर्म मेरी बॉडी में चला जाए, स्मूथ फॉर्म मतलब कैप्सुलेटेड फॉर्म मेरी बॉडी में चला जाए, तो मेरे लंग्स में हो जाएगी निमोनिया और उसकी वजह से मेरी डेथ तक हो सकती है। ओके, नाउ अगर रफ फॉर्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का, रफ फॉर्म मतलब नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म मेरी बॉडी में चला जाए, तो नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म अगर मेरी बॉडी में गया तो यह डिसीज तो कर नहीं पाएगा, यानी मुझे निमोनिया नहीं होगी, और निमोनिया नहीं होगी तो मेरी डेथ होने के चांसेस नहीं है। यह बात ग्रिफिथ साहब को मालूम थी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये 1928 का एक्सपेरिमेंट है, 1928 का एक्सपेरिमेंट है, 1928 में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। वो जानते हैं कि बेटा दो फॉर्म है, एक एस फॉर्म दूसरा आर फॉर्म। अब वो एस फॉर्म और आर फॉर्म के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जरा आप मुझे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में ध्यान से समझे। पहले वो एक एस फॉर्म लेते हैं, एस फॉर्म का बैक्टीरिया लेते हैं, दिस इज एस फॉर्म। एस फॉर्म बैक्टीरिया को इंजेक्शन में डालते हैं, मैं केवल आपको लर्न करने के लिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बस, बाकी आप समझ लीजिए। इंजेक्शन में इन्होंने एस फॉर्म डाला, और ये एस फॉर्म वाला इंजेक्शन इन्होंने चूहे को लगाया, माइस को लगाया। आप मुझे बताइए, अगर एस फॉर्म वाला इंजेक्शन चूहे को लगा दिया जाए तो चूहे को क्या हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगी, और चूहे की हो जाएगी डेथ। बहुत ऑब्वियस था, उन्होंने एस फॉर्म वाला इंजेक्शन जब चूहे को लगाया तो चूहे की डेथ हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है, आपको समझ में आनी चाहिए, ये तो बहुत सिंपल कहानी है। नाउ दूसरा पॉइंट, अगले इंजेक्शन में उन्होंने आर फॉर्म लिया, आर फॉर्म का इंजेक्शन जब माइस को लगाया गया तो माइस जिंदा बना रहा, माइस जिंदा बना रहा, इसका मतलब आर फॉर्म जाकर के चूहे में डिसीज नहीं कर रहा है। ओके, अगली बार उन्होंने लिया हीट किल्ड एस फॉर्म। अब आप खुद सोचिए, एक बैक्टीरिया था और वो बैक्टीरिया बीमारी करता था, वो रफ सॉरी स्मूथ बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को आपने उबाल दिया, उबाल दिया इसकी मतलब से वो बैक्टीरिया मर गया, जब वो बैक्टीरिया ही मर गया तो वो डिसीज नहीं कर पाएगा। हीट किल एस फॉर्म जब चूहे को लगाया गया तो भैया चूहा जिंदा बना रहा, लाइव। फिर सुन लो, एस फॉर्म लिविंग कंडीशन में डाला गया, चूहा मर गया, आर फॉर्म लिविंग कंडीशन में डाला गया, चूहा नहीं मरा, हीट किल एस फॉर्म मरा हुआ एस फॉर्म डाला गया, चूहा नहीं मरा। क्यों नहीं मरा, क्योंकि एस फॉर्म तो तभी बीमारी करेगा जब वो अंदर जाके जिंदा रहे, वो अंदर जाके जिंदा ही नहीं, क्योंकि मरा हुआ डाला गया एस फॉर्म, तो वो बेटा बेटा चूहे में, जिंदे चूहे में डाला गया, इसका मतलब वो चूहा जिंदा रहा ना। अब उनको अजीब सा मजाक सूझा, उन्होंने चौथा एक्सपेरिमेंट किया, ये तीनों एक्सपेरिमेंट तो ज्यादा काम के नहीं थे, चौथा एक्सपेरिमेंट उनके लिए बड़ा खतरनाक था। वो जानते थे कि आर फॉर्म डिसीज कर नहीं पाता, पहले से जानते थे आर फॉर्म डिसीज कर नहीं पाता, क्योंकि आर फॉर्म नॉन कैप्सुलेटेड डिसीज कर नहीं पाता, तो उन्होंने आर फॉर्म को लिविंग कंडीशन में लिया, जिंदा आर फॉर्म लिया,
साथ में हीट किल्ड एस फॉर्म लिया, हीट किल्ड एस फॉर्म लिया, ध्यान सुनना। अब देखो अकेला आर फॉर्म भी डिसीज नहीं कर सकता और हीट किल एस फॉर्म भी अकेले डिसीज नहीं कर सकता, तो कुल मिलाकर ये भी डिसीज नहीं कर सकते, ये भी डिसीज नहीं करने चाहते, पर दोनों का मिक्सचर उन्होंने इंजेक्शन में डाला। उनके हिसाब से ये होना चाहिए था कि दोनों लोग बेटा डिसीज नहीं कर सकते, और जब दोनों लोग डिसीज नहीं कर सकते, आर फॉर्म डिसीज कर नहीं सकता क्योंकि वो रफ है, और हीट किल फॉर्म तो मरा हुआ है, वो भी डिसीज नहीं करेगा। उनके हिसाब से चूहे में जब ये इंजेक्शन लगना चाहिए था तो चूहा जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन चूहा मर गया। और ये एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट हुआ कि आर फॉर्म खुद डिसीज कर नहीं रहा, हीट के लेस फॉर्म को डिसीज कर नहीं पकता क्योंकि मरा हुआ है, लेकिन जब इन दोनों का मिक्सचर डाला गया तो चूहा मरा हुआ पैदा हुआ। उन्हें लगा कहीं चूहा किसी और बात से तो नहीं मर गया, तो जब उन्होंने मरे हुए चूहे का ब्लड निकाला तो उस ब्लड में लिविंग एस फॉर्म निकले, लिविंग एस फॉर्म। यह चीज बड़ी खतरनाक है, डाला था मरा हुआ एस फॉर्म और चूहे के अंदर वो लिविंग कैसे हो गया, ये तो नहीं हो सकता। मरा हुआ बंदा कभी जिंदा नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ, तो फिर हुआ ये कि जो जिंदा बंदा है यानी कि लिविंग आर फॉर्म है दिस, यही अपना रूप बदल के एस फॉर्म हो जा रहा है। रूप बदल देना इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, यानी कि आर फॉर्म ने अपना रूप बदल के एस फॉर्म में चेंज हो गया। तो तुम कह सकते हो जब अकेले आर फॉर्म डाला जाता है तब वो अपना रूप क्यों नहीं बदलता, मिक्सचर में ही रूप क्यों बदलता है। तब ग्रिफिथ ने कहा कि मरे हुए एस फॉर्म से कोई चीज निकली, पता नहीं क्या, उन्हें नहीं मालूम, कोई चीज निकली और वो आर फॉर्म के अंदर गई और उसने आर फॉर्म को बदल के किसमें कर दिया, एस फॉर्म में चेंज कर दिया। फिर से सुनो, उन्होंने कहा मरे हुए एस फॉर्म से, मरे हुए बैक्टीरिया से कोई चीज निकली, वो जाकर के आर फॉर्म में घुसी और उसने आर फॉर्म को एस फॉर्म में बदल दिया, और उसने इस चीज का नाम रखा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी वो कहते हैं कि हीट किल्ड एस फॉर्म से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम की चीज निकली, वो आर फॉर्म के अंदर गई और उसने आर फॉर्म को चेंज करके एस फॉर्म में बदल दिया। तो लोगों ने ग्रिफिथ से कहा कि श्योर है जो आप कह रहे हैं, बोले मैं तो श्योर हूं, तो बोले इसका मतलब है ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है आर फॉर्म के करेक्टर को बदल देता है। क्या बदल देता है, करेक्टर। और अगर ये करेक्टर को बदल रहा है इसका मतलब ये करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, और इसका मतलब अगर जो कोई करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है उस करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो वो फैक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। फिर सुनो, ये ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आर फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो फैक्टर की तरह बिहेव कर रहा, और फैक्टर की तरह बिहेव कर रहा तो इट मे बी जेनेटिक मटेरियल। तो लोगों ने कहा क्या यही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बोले हाँ, बोले ये है क्या, तो ग्रिफिथ ने कहा मुझे नहीं मालूम ये क्या है, लेकिन कुछ तो है जो मरे हुए एस फॉर्म से आर फॉर्म के अंदर जा रहा है। बहरहाल ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि क्या चीज है जो यहां से यहां जा रही, नहीं बता पाए, लेकिन इतना जरूर बता पाए कि जो चीज यहां से यहां जा रही है वही बेटा आर फॉर्म को एस फॉर्म में चेंज कर दी जा रही है। इसीलिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को पहला एक्सपेरिमेंट माना जाता है जिसने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम के सब्सटेंस की पता लगाया, और वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जा करके आर फॉर्म को एस फॉर्म में बदलने वाला था। थैंक यू वेरी मच। और इस तरीके से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ढूंढने में सब लोग लग गए। ऑल दो मैं उसका डिटेल नहीं जाऊंगा, याद रखना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये बताया सबसे पहले ग्रिफिथ ने था, लेकिन इसका केमिकल नेचर ग्रिफिथ नहीं जानते थे। नहीं जानते थे कि ये केमिकली क्या है। सो केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल,
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर इट वॉज गिवन बाई थ्री साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट है, तीनों के नाम लिखिएगा, एवरी मैकलियॉड मैकार्टी। अब वो एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको बताने में लग गया तो टॉपिक में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो बस इतना याद रखना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की सबसे पहले बात किसने की थी? ग्रिफिथ ने। लेकिन क्या रुक गया है? अभी तो चल रहा है। फिर से देखो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ग्रिफिथ ने। लेकिन ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर नहीं बताया था, केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया था तीन लोगों ने, एवरी मैकलियॉड एंड मैकार्टी। और एवरी और मैकलियॉड और मैकार्टी ने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज नथिंग बट डीएनए, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो डीएनए है। लेकिन डीएनए प्रूव होने के बावजूद भी लोगों ने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं माना, क्योंकि अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और अभी भी लोग ये तो मान गए कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, पर क्या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ये बात अभी भी पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुई थी। नाउ द थर्ड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आता है और थर्ड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने फाइनली प्रूव किया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने वाले एक साइंटिस्ट हैं, हार्से एंड चेज। हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट और हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने फाइनली प्रूव किया दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। Although मैं इसे छोड़ना चाहता हूं लेकिन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बेटा ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे बच्चों के लिए जान की आफत रहता है और वो बच्चे कहते हैं कि सर ये एक्सपेरिमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखिए, हार्से एंड चेज जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय तक एक वायरस की डिस्कवरी हो चुकी थी। इस वायरस का नाम था बैक्टीरियोफेज, याद रहेगा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक प्रकार का वायरस है। पहली बात तो आप याद रखें, ये वो वायरस है जिसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो इसके पास होती है प्रोटीन और दूसरा इसके पास होता है डीएनए। क्या मैंने जेनेटिक मटेरियल कहा? प्लीज आप भी मत कहिएगा। किसी भी वायरस में दो ही चीजें होती हैं, या तो प्रोटीन या तो न्यूक्लिक एसिड। इस वायरस में न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है, बस इतना याद रखना। इसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस है ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है। अब जो नीचे मैंने बनाया है ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का अपना डीएनए है और इस बैक्टीरिया के पास अपना साइटोप्लाज्म है। तो ये रहा बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म। पहले इसे सीख लें और समझ लें तभी आपको यह हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। तो होता यूं था कि जो बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस है वो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल डालता था। फिर से सुनो, जेनेटिक मटेरियल डालता था, जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजता था। मैंने अभी भी नहीं कहा कि वो डीएनए भेजता था कि प्रोटीन भेजता था। याद रखना, वायरस के पास केवल दो ही चीजें हैं, प्रोटीन या फिर डीएनए। तो वो या तो अंदर भेज सकता है प्रोटीन और या तो अंदर भेज सकता है डीएनए। तो प्रोटीन और डीएनए में कोई एक चीज ही भेज सकता है, और जो अंदर बैक्टीरिया के गया वही जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल जाता है। और अंदर जेनेटिक मटेरियल जाने के बाद यहां पर अपने जैसे खूब सारे वायरस बना देता था, यानी बैक्टीरियोफेज अपने अंदर अंदर जाने के बाद बैक्टीरिया के अंदर अपना करैक्टर ला देता था और बैक्टीरिया फाड़ के बाहर निकलता था। फिर सुनो, बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस अंदर जेनेटिक मटेरियल डालता था, जेनेटिक मटेरियल अंदर जाने के बाद वायरस के करैक्टर को पैदा करता नहीं, बैक्टीरिया के अंदर और छोटे छोटे वायरस पैदा होते थे और वो वायरस बैक्टीरिया के पेट को फाड़ के बाहर आ जाते थे। इसका मतलब है जेनेटिक मटेरियल ही वायरस के करैक्टर को कंट्रोल कर रहा। अब यह बात है कि वायरस में दो ही चीजें, या तो डीएनए या तो प्रोटीन, या तो डीएनए अंदर गया होगा या तो प्रोटीन अंदर गया।
अब इनको पता लगाना है कि डीएनए अंदर गया है कि प्रोटीन अंदर गई, डीएनए अंदर गया कि प्रोटीन अंदर गई, इसको पता लगाने के लिए वो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए वो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ वायरसेस लेते हैं, चलिए वायरस लेते हैं। ये रहा वो वायरस, और इस वायरस को सल्फर 35 में रखते हैं। किसमें? सल्फर 35 में, याद रखना, इट इज सल्फर 35 रेडियो एक्टिव सल्फर। और सल्फर 35 प्रोटीन के अंदर चली जाती, क्योंकि सल्फर इज द कंटेंट ऑफ प्रोटीन, और इस वजह से इनका प्रोटीन कंटेंट रेडियो एक्टिव हो जाता। यानी इस वायरस में प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, और चलो डीएनए को दूसरे कलर से बना देते हैं। प्रोटीन बेटा रेडियो एक्टिव है, लेकिन डीएनए नॉर्मल है। तो इन्होंने सल्फर 35 पर रखा, सल्फर 35 प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर गया, और इस वजह से इनका वायरस रेडियो एक्टिव है। लेकिन वायरस में कौन सी चीज रेडियो एक्टिव है? ओनली प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव। दूसरा सेट उन्होंने लिया, दूसरे सेट में भी इन्होंने वायरस लिया, द सेम बैक्टीरियोफेज वायरस, और इस वायरस को इन्होंने फास्फोरस 32 के अंदर रखा। और आपको मालूम है फास्फोरस 32 का मतलब है फॉस्फेट, और फॉस्फेट किसका पार्ट होता है? न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब है डीएनए, यानी फॉस्फोरस डीएनए के अंदर चला गया। सॉरी ब्लड हो गया है, मैं देख रहा हूं, अभी देखिए, अभी सही है, थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने सल्फर 35 में बैक्टीरियोफेज लिए, फास्फोरस 32 में लिए। फास्फोरस किस में जाता है? डीएनए में, इसलिए यहां पर डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। बच्चा देख लो, दोनों तरफ बेटा बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये भी वायरस है, ये भी वायरस है, ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी रेडियो एक्टिव है। ये रेडियो एक्टिव सल्फर 35 में रखा गया, ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 में रखा गया। दोनों वायरस रेडियो एक्टिव है, लेकिन दोनों वायरस की अलग अलग चीज रेडियो एक्टिव है। इनकी रेडियो एक्टिविटी है प्रोटीन में, और इनकी रेडियो एक्टिव है फास्फोरस में, यानी कि डीएनए में। ओके, अब ऐसे बेटा वायरसेस को बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ दिया गया। चलिए अब बैक्टीरिया बनाइए, ये रहा बैक्टीरिया। ऐसे वायरसेस को बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दिया गया, इन वायरसेस को भी बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दिया गया, बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दिया गया। जब बैक्टीरिया में छोड़ा गया तो इस प्रोसेस का नाम रखा गया इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करने दिया गया, इनको भी बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करने दिया गया। ओके, ब्लर हो गया फिर से, सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी। अभी देखिए गड़बड़ हो जाता है, मेरे मूवमेंट की वजह से ब्लर हो जाता है। आप देखिए, एक को सल्फर 35 में रखा गया, एक को फास्फोरस 32 में रखा गया, ये भी बैक्टीरिया है, बी फॉर बैक्टीरिया, ये भी बी फॉर बैक्टीरिया है। दोनों बैक्टीरिया में डीएनए का इन्फेक्शन करा दिया गया, और डीएनए का इन्फेक्शन कराने के बाद इस चीज का वेट किया गया कि ये लोग अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर डाल दें। जेनेटिक मटेरियल, मैंने कहीं डीएनए नहीं लिखा, ये वेट किया गया कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल दें, और इनका भी वेट किया गया कि ये भी जेनेटिक मटेरियल अपना अंदर डाल दें। जब जेनेटिक मटेरियल अंदर जा चुका कुछ टाइम के बाद, इस पूरे मटेरियल की ब्लेंडिंग की गई। एंड व्हाट इज ब्लेंडिंग का मतलब होता है जोर जोर से शेकिंग करना, हिलाना, यानी मटेरियल को, सॉरी आई एम वेरी मच सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी, बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है मुझे मालूम है, क्योंकि दो बोर्ड के दोनों तरफ मैं लिख रहा हूं, और दोनों तरफ लिखने पर मूवमेंट होने की वजह से ब्लर हो जाता है। कोशिश करता हूं यहां से पढ़ने की। अभी देखो, अभी हम लोगों ने क्या किया, यहीं पर खड़े होकर बोल रहे हैं, इस मटेरियल में डीएनए को इन्फेक्ट करने दिया, उसको भी बेटा, सॉरी डीएनए को नहीं, वायरस को इन्फेक्ट करने दिया था, वहां पर भी वायरस को इन्फेक्ट करने दिया। जब हमने जान लिया कि जेनेटिक मटेरियल अंदर जा चुका है, क्या मैंने डीएनए बोला? नहीं, मैंने बोला कि जो भी होगा डीएनए मटेरियल, सॉरी जो भी होगा जेनेटिक मटेरियल, वो अंदर जा चुका होगा। अब जेनेटिक मटेरियल जब अंदर जा चुका, तो हम लोगों ने उसकी ब्लेंडिंग की, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब बहुत जोर जोर के ब्लेंडिंग और एजिटेशन किया। ब्लेंडिंग और एजिटेशन करने पर
ये दोनों अलग अलग हो गए, यानी वायरस ने बैक्टीरिया को छोड़ दिया। लेकिन वायरस ने जब तक बैक्टीरिया को छोड़ा तब तक जो जेनेटिक मटेरियल अंदर जाना था जा चुका था, जो जेनेटिक मटेरियल अंदर जाना था वो जा चुका था। किसी को नहीं मालूम था क्या जेनेटिक मटेरियल है जो अंदर गया है, लेकिन जिसको जाना था वो अंदर जा चुका था, ये याद रखना। अब हमने पहले किया इंफेक्शन फेस, किया ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग के बाद हमने किया यस सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरा पॉइंट किया सेंट्रीफ्यूगेशन। कई बच्चे सेंट्रीफ्यूगेशन समझते नहीं है। सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान हमने जो भी ये मटेरियल है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा करके इसे बहुत तेजी से चक्कर में घुमाया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। याद रखना ये सारी एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में चल रही थी, यानी ये एक्सपेरिमेंट, इन्फेक्शन वाली एक्सपेरिमेंट, ब्लेंडिंग वाली एक्सपेरिमेंट और सेंट्रीफ्यूगेशन वाली एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में चल रही थी, और ये वाला एक्सपेरिमेंट भी टेस्ट ट्यूब में चल रहा था। ठीक, तो तीन काम किए, पहला काम किया इन्फेक्शन, दूसरा काम किया ब्लेंडिंग, तीसरा काम किया सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद मटेरियल को छोड़ दिया। अभी आपने कभी ना कभी बालू वाला पानी देखा होगा, देखा होगा पानी में बालू मिक्स है, आपने हिला दिया पूरा बालू और पानी मिक्स हो गया। लेकिन कुछ देर बाद आप इसे ग्लास में रख दीजिए, आप मुझे बताइए बालू ऊपर आएगी पानी नीचे जाएगा? आई एम किडिंग, कौन नीचे जाएगा? बालू नीचे जाएगी पानी ऊपर जाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि जो भारी है वो नीचे जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर आएगा। अब बताओ वायरस और बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया की ब्लेंडिंग हुई है तो वायरस का बचा हुआ पार्ट हल्का पार्ट है, ये वाला पार्ट हल्का है, और बैक्टीरिया वाला पार्ट कैसा है? भारी। तो नीचे वाले पोर्शन पे कौन जाएगा? बैक्टीरिया वाला पार्ट। नीचे वाले पोर्शन पे कौन जाएगा? बैक्टीरिया वाला पार्ट। दिस इज अ बैक्टीरिया पोर्शन, दिस इज अ बैक्टीरिया पोर्शन। फिर से सुनो, वायरस और बैक्टीरिया आपस में हिला के छोड़ दिए गए और छोड़ने के बाद थमने लगे तो जो भारी होगा वो नीचे आएगा। सब लोग जानते हैं बैक्टीरिया भारी होता है वो नीचे आएगा, और वायरस का जो बचा हुआ पार्ट है जो अंदर नहीं गया वो ऊपर आएगा। अब जो ऊपर आया उसका नाम रखा गया सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट। तो यहां पर भी आया सुपरनेटेंट, और जो बैक्टीरिया वाला पार्ट था इसका नाम रखा गया पैलेट, इसका भी नाम रखा गया पैलेट। यानी भारी वाला पार्ट है पैलेट जो नीचे रह गया, और जो ऊपर रह गया दैट इज नोन एज सुपरनेटेंट। तो एक है सुपरनेटेंट, दूसरा है पैलेट। अब देखा, अब ऑब्जर्वेशन किया गया, याद रखना यहां पर ऑब्जर्वेशन किया गया। जब इतना हो गया तब ऑब्जर्वेशन किया गया, और ऑब्जर्वेशन में पाया गया क्या? ऑब्जर्वेशन पाया गया, दोनों अलग अलग कर रहे। जब हमने सल्फर 35 मटेरियल लिया था, सल्फर 35 मटेरियल लिया था, उसका सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव निकला। इसका मतलब यह है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो बाहर रह गया, क्योंकि वो वायरस वाले पार्ट में पाया गया। वायरस वाला पार्ट हमेशा ऊपर रहता है क्योंकि हल्का है, इसका मतलब वायरस वाला पार्ट ऊपर रह गया। जो वायरस का पार्ट बैक्टीरिया के अंदर गया था, बैक्टीरिया के अंदर वाला पार्ट नॉर्मल रहा, इसका मतलब नॉर्मल चीज अंदर गई। अब बताओ सल्फर 35 में नॉर्मल क्या था? डीएनए नॉर्मल था, नॉर्मल चीज अंदर गई, यानी बैक्टीरिया नॉर्मल है, और रेडियो एक्टिव कौन निकला? सुपरनेटेड। अब दूसरे में ऑब्जर्वेशन किया तो जो बैक्टीरिया वाला पार्ट था वो रेडियो एक्टिव निकला। अब आप खुद सोचिए कि बैक्टीरिया तो नॉर्मल लिया गया था लेकिन वो रेडियो एक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि डीएनए का रेडियो एक्टिव डीएनए, सॉरी वायरस का रेडियो एक्टिव डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आया और बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो गया, इसलिए रेडियो एक्टिव ये हो गया। फिर से सर एक बार में नहीं समझ में आया, ठीक है याद रखना, सुपरनेटेंट में वायरस वाला पार्ट और पैलेट में बैक्टीरिया वाला पार्ट, रेडियो एक्टिव वायरस ही थे, दोनों तरफ रेडियो एक्टिव वायरस ही थे। अब याद रखना वायरस वाला पार्ट ही रेडियो एक्टिव रहा, यानी बैक्टीरिया वाला पार्ट नॉर्मल रहा, इसका मतलब बैक्टीरिया वाले पार्ट में कोई भी चीज रेडियो एक्टिव नहीं गई। इसका मतलब यहां पर जो रेडियो एक्टिव थी वो क्या थी? प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन बैक्टीरिया वाले पार्ट में नहीं गई। ओके, नाउ यहां पर जो रेडियो एक्टिव था वो था डीएनए, मैंने पहले ही बनाया था, यहां पर जो रेडियो एक्टिव था वो था डीएनए,
और बेटा रेडियो एक्टिव वाला पार्ट बैक्टीरिया के अंदर गया, इसीलिए बैक्टीरिया हो गया रेडियो एक्टिव। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी किसकी वजह से आई? फास्फोरस की वजह से। और फास्फोरस किसमें होता है? डीएनए में। इसका मतलब डीएनए किसके अंदर चला गया? बैक्टीरिया। और हमें यही तो पता लगाना था, जो बैक्टीरिया के अंदर जाता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इससे प्रूफ हो गया कि डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाता है और इसलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तीन एक्सपेरिमेंट, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, और इस तरीके से हमने प्रूव किया दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हमने प्रूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट इज नेक्स्ट टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और आपको याद रखनी है कुल मिलाकर के चार प्रॉपर्टी हैं जिनका फॉर्मूला है आर एस एम फैक्टर। जेनेटिक मटेरियल को के लिए दावा पेश कर रहे हैं तीन लोग। डीएनए कह रहा मैं जेनेटिक मटेरियल हो सकता हूं, आरएनए कह रहा मैं जेनेटिक मटेरियल हो सकता हूं, प्रोटीन कह रही मैं जेनेटिक मटेरियल हो सकती हूं। तो तीन लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि मैं जेनेटिक मटेरियल हो सकता हूं, पर जो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है उसमें ये चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आर एस एम, पहली बात, जो भी जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए उसे रेप्लिकेशन करना आना चाहिए। कैन प्रोड्यूस इट्स ऑन कॉपी, अपनी कॉपी को खुद प्रोड्यूस करते आना चाहिए। आर फॉर रेप्लिकेशन, एस फॉर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। जो भी जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए उसको स्ट्रक्चरली और केमिकल स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। आर फॉर रेप्लिकेशन, एस फॉर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, और एम फॉर म्यूटेशन, उसमें स्लो चेंजेस आने चाहिए, फास्ट चेंजेस नहीं, इट शुड बी स्लो चेंजेस। उसको स्लो चेंजेस आने चाहिए, उसमें म्यूटेशन होते रहने चाहिए लेकिन फास्ट म्यूटेशन नहीं होने चाहिए। स्लो म्यूटेशन की वजह से उसे इवोल्यूशन होना चाहिए, यानी उसका करेक्टर में इवोल्यूशन वाले करेक्टर आते रहने चाहिए। एंड फैक्टर मतलब इट शुड बिहेव लाइक मेंडेलियन फैक्टर, इट शुड बिहेव लाइक मेंडेलियन फैक्टर, उसे मेंडेलियन फैक्टर की तरह बिहेव करना चाहिए। अब आप कहोगे मेंडेलियन फैक्टर का मतलब क्या है? उसे लॉ ऑफ डोमिनेंस मानना चाहिए, उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मानना चाहिए, उसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मानना चाहिए। यानी आर एस एम फैक्टर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसे रेप्लिकेशन करते आना चाहिए। याद रखना, रेप्लिकेशन वाला शब्द में प्रोटीन फेल हो गया। सो प्रोटीन पहले ही पॉइंट पर फेल हो गया, क्योंकि रेप्लिकेशन केवल डीएनए और आरएनए को आता है, इसलिए यह लड़ाई डीएनए और आरएनए के लिए चली, डीएनए वर्सेस आरएनए। तो अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो उस टॉपिक का में ब्रैकेट में लिखा होगा डीएनए वर्सेस आरएनए। इसका मतलब है प्रोटीन तो पहले ही पॉइंट पर हार गया, और पहला पॉइंट था यह कि रेप्लिकेशन आना चाहिए। सो डीएनए और आरएनए की लड़ाई पर डीएनए ज्यादा स्टेबल पहुंचा, स्टेबल मिला। डीएनए इज मोर स्टेबल। इसके लिए बहुत बहुत सारे पॉइंट है, वो आपको आपकी बुक से पढ़ने पड़ेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। आरएनए लेस स्टेबल मिला, लेस स्टेबल मिला, डीएनए मोर स्टेबल मिला, इसीलिए डीएनए इज मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल निकला। मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल बना। और आरएनए जेनेटिक मटेरियल कब बना? जब वो कुछ वायरसेस में रहा, सम वायरसेस, और इन वायरसेस को हम लोग बोलते हैं रेट्रोवायरस। इसका मतलब है आरएनए पुराना जेनेटिक मटेरियल है, यानी अगर डीएनए और आरएनए में सबसे पुराना जेनेटिक मटेरियल पूछा जाए तो वो बोला जाएगा आरएनए। तो लोगों ने डीएनए के लिए तालियां बजाई, लेकिन लोगों ने कहा यस डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है और हमारा दूसरा पॉइंट स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। तो डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल, लेकिन
डीएनए जेनेटिक मटेरियल होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि डीएनए तब तक एक्सप्रेस नहीं हो सकता जब तक प्रोटीन ना बने, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिनोटाइप नहीं आएगा। देख लो मैंने बीच में कुछ स्टेप खा लिए कि डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है लेकिन वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेटा प्रोटीन बनानी चाहिए, प्रोटीन से बनने चाहिए एंजाइम, एंजाइम से होनी चाहिए रिएक्शन, रिएक्शन से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से फिनोटाइप बनना चाहिए। तो प्रोडक्ट से फिनोटाइप देना यानी जीन से फिनोटाइप लेना या डीएनए से फिनोटाइप लेना किसको लेना है? प्रोटीन को। पर डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन को कभी नहीं बना सकते, तो डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए के सामने हाथ जोड़ देते हैं, हाथ जोड़ बैठते हैं, आरएनए से कहते हैं भैया हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को तुम लो और तुम उससे प्रोटीन बनाओ। इसीलिए बोलते हैं इस दुनिया में आरएनए वर्ड है, यानी इस दुनिया में चारों तरफ आरएनए का ही राज है। आरएनए ना होता तो डीएनए अपने जेनेटिक मटेरियल को रखे तो रहता लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो याद रखना, जब पूछा जाए कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल है तो बोलना किस बात के लिए, स्टेबिलिटी में डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है लेकिन एक्सप्रेशन में यानी फिनोटाइप के एक्सप्रेशन में आरएनए इज बेटर। सो बोलते हैं आरएनए इज बेटर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के एक्सप्रेशन की बात आती है तो आरएनए बेटर है। तो इस तरीके से आपने डीएनए और आरएनए में प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ ली। ना प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ने के बाद अब हमारे पास तीन मेजर टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक है रेप्लिकेशन। मैं फिर से बता दूं, रेप्लिकेशन यानी डीएनए से डीएनए बनना, इट इज नोन एज रेप्लिकेशन। गुड। दूसरा टॉपिक है एमआरएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए बनना, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और तीसरा टॉपिक है एमआरएनए से प्रोटीन बनना, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो आज की क्लास का मेरा मोटो फुलफिल हो गया, और मेरी आज की क्लास का मोटो ये था कि मैं आज जनरल बातें बता दूं। जब आज मैं जनरल बातें बता चुका हूं तो अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, सैटरडे संडे में नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा फ्री रहना चाहता हूं घर के लिए। तो अब मंडे को मैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की दूसरी क्लास लूंगा, और उस क्लास में इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा। बाय द वे आज के लिए टेक केयर। जरूर बताइएगा कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आपको मेरा नंबर मालूम ही है, उस नंबर पे बताइएगा। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।